हेलो एंड वेलकम टू व्लॉग पॉड। मदर्स डे आ रहा है और सेलिब्रेशन तो बनता है, सेलिब्रेशन केक के बिना तो भाई अधूरा है। तो इसे हम बनाएंगे आज, ब्रेड से इतना सुंदर केक बनाएंगे और बहुत ही झटपट बना लेंगे बिना बेक किए हुए। यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी ले ली है पैन में। मिक्सर में आप मैंगो को पीस लीजिए, उसकी इस तरह से प्यूरी हो जाएगी बहुत ईजीली। और चीनी डाली है इसमें, मैंगो अगर आपका ज़्यादा खट्टा है थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लीजिए, मीठा है तो कम ले लीजिए। इसे हमें जस्ट सिर्फ पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। ये अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट हो जाना चाहिए, मतलब हल्का हल्का इसमें थोड़ा दिखने लगे। तो ये देखिए हमारी एकदम रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत बनाइए इसे, थोड़ा सा पतला ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ली है 6 ब्रेड स्लाइसेस, फ्रेश लेनी है आपको, कोशिश ऐसी करें। ये हमारे पास घर में अवेलेबल हो ही जाती हैं सबके पास। तो इनकी मैंने साइड्स को ट्रिम कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं शुगर सिरप से इसे कोट कर रही हूँ ताकि ये ड्राई ना रहें और मॉइस्ट रहें। चीनी थोड़ी सी आप पानी में घोल लीजिए, थोड़े से पानी में, और ये शुगर सिरप आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कोट करने के बाद में ये मैंने होममेड मेरी व्हिपिंग क्रीम है वो मैंने ले ली है, इसको इस पर मैं लगा रही हूँ। घर में बहुत ही इजीली व्हिपिंग क्रीम आप बना सकते हैं, और अगर आपके पास मार्केट वाली रखी है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हमें स्प्रेड कर लेना है। तो ये एक ब्रेड मैंने इसके ऊपर और रख दी है। इसी तरीके से हम शुगर सिरप लगाएंगे, उसके बाद में क्रीम लगाएंगे और इन पर लेयर बाय लेयर रखते जाएंगे। और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी हाइट का आपको केक बनाना है उतनी आप ब्रेड स्लाइसेस इस पर लगाते जाइए। इनकी साइड्स में भी हम क्रीम को अच्छे से लगा देंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएँ सभी तरफ से। देखिए क्रीम नहीं है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, आप इसमें थोड़ा सा जैम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी घर पे ही बना रहे हैं ताकि इजीली बन जाए और कम इंग्रेडिएंट्स के और इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप इस पर थोड़ा सा जैम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंगो ग्लेज जो हमने बनाया है आम से, आम की प्यूरी से, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो। तो ये देखिए सारी साइड से हमने इसको अच्छे से, कितना अच्छे से कवर कर लिया है। अब इस पर ये जो मैंगो ग्लेज हमने बनाया है उसकी जो है ड्रिपिंग्स हम लगाएंगे थोड़ा सा ड्रॉप करते हुए। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा लिक्विड ही बनाना है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं रखना है इसको हमें। तो इससे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। डिज़ाइन देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना है। तो ये सभी तरफ से मैं बना रही हूँ इसकी डिज़ाइन। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, और क्योंकि हम ब्रेड से बना रहे हैं तो बेक करने की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। लास्ट मिनट में आप इसे बना सकते हैं और अपनी मम्मी को खुश कर सकते हैं। तो ये ऊपर से भी हम इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं, चारों ओर से स्क्वायर शेप दे रहे हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मदर्स डे है तो इसलिए हम यहाँ पर इस पे माँ लिख रहे हैं। आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या किसी और ओकेजन के लिए भी बना रहे हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंगो के कुछ पीसेस से यहाँ पर इसको मैंने ऊपर डेकोरेट कर दिया, और ये फाइनल लुक हमारा केक बनकर एकदम तैयार है। बन गया है ना झटपट और कितना सुंदर। इसे आप भी बना लीजिए, पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मदर्स डे, बाय बाय।